एक तरफ जनता, आवाम, लोकतंत्र में लोक और तंत्र यही है। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था जो हमने खो दिया? साल में राजस्व गांव के लिए आपने क्या काम किया? जवाब दी। कभी बिंदु खत्ता के नाम पर क्रय केंद्र नहीं संचालित हुआ, माननीय विधायक जी का इतिहास ही क्या है? ये तो आपस में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई दिखाई दे रही है। आप कहाँ है, आपकी साइकिल कहाँ है? और हम लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा आपके नजरिए से लाल कुआ का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर जनता आपको वोट करे? मैं ना किसी कांग्रेस से ना किसी बीजेपी से, मैं सवाल करूंगा दोनों। इस विद्यालय महाविद्यालय में एमए का संचालन क्यों नहीं हुआ? लाल कुआ का विकास होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज हम आ पहुंचे हैं लालकुआ। ये वो विधानसभा सीट है जिसका इतिहास बेहद दिलचस्प है, लेकिन इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम को शुरुआत हम करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम सभी आपका आभार दिल से जताना चाहते हैं, क्योंकि किस्सा कुर्सी का लगातार जिस तरह से कामयाबी का दौर देख रहा है, पूरे गढ़वाल को कवर करने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम अब कुमाऊं के लालकुआ क्षेत्र से इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रही है। और इस वक्त सबसे पहले मैं लालकुआ की आवाम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लालकुआ क्षेत्र ये कुमाऊं में हमने इसलिए चुना क्योंकि आपके यहाँ अधिकतर कार्यक्रम हल्द्वानी या फिर रुद्रपुर में होते हैं, लेकिन हम आपके बीच में आए उस क्षेत्र से शुरुआत करने के लिए। हमें उम्मीद कि आप लोगों का प्यार हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं उन जनप्रतिनिधियों के साथ करना चाहता हूं जो हमेशा से इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। एक तरफ जनता, आवाम, लोकतंत्र में लोक और तंत्र यही है। यहां पर लोकतंत्र के लिहाज से सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। और मेरी दरख्वास्त सबसे कि आप चर्चा करिएगा, बहस नहीं। सबसे पहले मैं अपने जनप्रतिनिधियों से खुद चाहूंगा कि वो अपना परिचय खुद करवाएं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम और आपका परिचय। नमस्कार चावला जी, प्रदीप बिष्ट, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नैनीताल। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप इस क्षेत्र में आए हैं, आपका स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्रदीप जी के लिए तालियां। मैं हेमवती नंदन दुर्गापाल, उत्तराखंड किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव। आपने लालकुआ विधानसभा को कुमाऊं में चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत चावला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत, लेकिन यहाँ पर बात दुर्गापाल जी की भी महत्वपूर्ण है, जो कि उनसे भी जवाब लेंगे। संजय सिंह, प्रदेश महासचिव, उत्तराखंड समाजवादी पार्टी। आपका जो हार्दिक अभिनंदन है लालकुआ क्षेत्र और न्यूज वर्ल्ड ने ऐसा प्लेटफॉर्म जो है लोगों को मुहैया करा, इसके लिए जो है हम प्रतिनिधियों की तरफ से सबका धन्यवाद। संजय जी के लिए जोरदार तालियां। मैं इंजीनियर चंद्रशेखर पांडे, लालकुआ विधानसभा का प्रभारी हूँ, और मैं आपकी पूरी पार्टी का जो है धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार के प्रोग्राम आप हमेशा करेंगे और जनता के बीच में एक अच्छा। थैंक यू सो मच। मैं यशपाल आर्य, मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल राम आर्य, मैं गोलापार क्षेत्र में रहता हूं। इस वक्त लालकुआ विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आया हूं। निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। आपका परिचय। मैं जीवन जोशी, लालकुआ से वरिष्ठ पत्रकार, संपादक दूरगामी नयन और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन लालकुआ का संरक्षक। थैंक यू सो मच। आप अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबने अपना अपना परिचय दिया, और मैं इसी परिचय से शुरुआत करूंगा क्योंकि मसला बीजेपी का है, क्योंकि ये सीट इस वक्त बीजेपी के कब्जे में है। और प्रदीप जी यहां पर मौजूद है, तो प्रदीप जी सबसे पहले बताइए कि आपके विधायक ने ऐसे तीन काम कौन से किए लालकुआ की आवाम के लिए कि जनता एक बार फिर से आपको मौका दे? सिर्फ तीन काम। मैं ये कह सकता हूं कि जहां उन्होंने 27 आर्टिजन, 200 से अधिक पानी के हैंडपंप लगाए हैं, तो सड़कों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, रोज उद्घाटन शिलान्यास, हमारे विपक्षी भी देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहीं 1500 शौचालय उन निर्धन परिवारों के लिए जो कभी सपना हुआ करता था, जो अपने सूर्य उगने से पहले और सूर्यास्त के बाद जाया करते थे, माननीय विधायक जी ने उपलब्ध कराए हैं। जनता के विधायक जनता के द्वार तक पहुंचे हैं, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। कौन सी सड़कों की बात कर रहे हैं सर? आते 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 तो हमारी कमर जवाब दे गई। आप कह रहे सड़कों का एक सेकेंड मैं इससे विधायक जी के बड़े काम जोड़ सकते हैं। विधायक जी ने आप खड़े होइए। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी पार्टी की सरकार है, जब मैं कोई हूटिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने ईमानदारी से बीच में जब उन्होंने बोल लिया उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया।
विधायक जी के काम जब आपने उनकी पार्टी की सरकार है माननीय जिलाध्यक्ष जी से पूछा गया कि आप अपने विधायक जी के तीन काम बता दो, तो उन्हें क्या बताया? शौचालय, हैंडपंप और तीसरा मेरे को सुना भी नहीं, ईमानदारी भी बताऊं तो। वो कह रहे सड़कों का जाल बिछा दिया, लोग रोज शिलान्यास हो रहे हैं। पिछले 7 साल से 6 साल लगभग बीत चुका, आप बरेली रोड कहते हैं मेन जो हाईवे है हमारा, 7 साल लगभग 6 साल का समय बीत चुका है, अभी तक पूर्ण रूप से बना नहीं है, लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, किसी के वाहन ठुकरे हैं, किसी का जान माल का नुकसान हो रहा है। अच्छा तो नहीं किया कुछ भी विधायक जी ने, आप ये कह रहे हैं? यहाँ जब अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी चर्चाएं चल रही थी तो इनने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था जो हमने खो दिया, ISBT 5 साल में नहीं बन पाई, जो कांग्रेस की देन थी वो 5 साल में नहीं बन पाई। ठीक, मैं समझ गया। ओके 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 ओके, जनता के मुद्दे उठाएंगे लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों से जवाब लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि तीन काम से हम संतुष्ट नहीं है, फेरिस थोड़ी और लंबी करनी पड़ेगी आपको, जल्दी से दो काम और गिनवा दीजिए लोकल यहाँ के। मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये बात कह रहे हैं इनके लिए शौचालय मुद्दा छोटा होगा, जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की बात करी थी, इनके राहुल गांधी जी ने भी इसी प्रकार से मजाक उड़ाने का काम किया था। ये कोई मुद्दा छोटा बड़ा नहीं है, ये कोई मुद्दा छोटा नहीं है, अस्मिता का सवाल होता है, लोक लाज का सवाल होता है। अच्छा तो सिर्फ शौचालय आपके लिए यहाँ पर मुद्दा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे दुर्गा पाल जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी, और आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से काम हुए वो कह रहे हैं हमने गड्ढे खुदवा दिए? अब मैं अपने कार्यकाल के खुद ही कहूं तो आप जहां भी आप एक बिंदु कत्ता शुरू से दीजिए, एक ग्रामीण क्षेत्र में ITI, उधर चोरगलिया में ITI, शिक्षा में बता रहा हूँ, यही बगल में आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री, सड़क तो पूछिए मत, ये बिंदु कत्ता आज बिजली जहाँ है ये लोग पूछिए जो बैठे हैं अभी बोल रहे थे, इन लोगों ने इस विद्युतीकरण का विरोध किया, इस बिंदु कत्ता के आप पूछिए इनसे क्यों किया विरोध इसका, और हमने उस क्षेत्र को नगर पालिका बनाया तो इन लोगों ने विरोध करवाया और इन्होंने कहा राजस्व गांव बनाएंगे, और 5 साल में उन्होंने राजस्व गांव के लिए क्या काम किया? 5 साल में राजस्व गांव के लिए आपने क्या काम किया, जवाब दीजिए। राजस्व गांव का मुद्दा यहाँ के लोकप्रिय सांसद अजय भट्टजी ने संसद में उठाया, आपसे पूछिए 10 साल तक केसे सिंह बाबा रहे उन्होंने कितने दिन उस मुद्दे को उठाया? आप दुर्गा पाल जी बिल्कुल लोकसभा की रिकॉर्डेड कार्यवाही में है, सांसद जी ने उठाया और हमारी सरकार ने दोनों बार संकल्प पारित किया। मुद्दा आपने भी उठाया। एक सेकंड प्लीज। मुद्दा आपने भी उठाया लेकिन समस्या का समाधान हुआ क्या? नाम के साथ मुकेश सिंह, मेरा नाम मुकेश सिंह है और मैं नंदन दुर्गा पाल जी से कहूंगा ना, दो तीन चीजें छोटी चीजें कहूंगा। उत्तराखंड बना 2000 में बना है ना, कब बना है? 2000 में ना, भाई साहब 9 नवंबर 2000 में है? कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। 21 साल युवा हो गया, 21 साल हो गए। आप सुनते रहो, हंसो नहीं ना, प्लीज जल्दी अपनी बात। जल्दी बात। पहली बार किसी विधायक ने सिस्टमेटिक वे से विधानसभा के पटल पे राजस्व गांव के लिए उठाया, और दूसरी बात संकल्प रखा, दूसरी बात जो यहाँ धान केंद्र खुल रहा है वो विधायक जी की देन है, एक स्पेशल जियो पास करके बिंदु खत्ता में धान केंद्र खुला, धान का केंद्र। हाँ, इसके पीछे रीजन है ना, आप इतनी जल्दीबाजी को कर रहे हो? नहीं, आराम से सबको, बस आप सिर्फ एक आप ही नहीं है ना, और भी है, मैं बता रहा हूँ धान। एक एक करके प्लीज, धान का केंद्र खुला, उससे ये हम मांग कर सकते हैं कि ये राजस्व गांव बनेगा, ठीक है? राजस्व गांव बनेगा, वो कह रहे धान का केंद्र खोला। मैं कह रहा हूँ क्या इनकी सरकार आते ही धान बिका, उससे पहले धान नहीं बिक रहा था क्या किसान का? उससे पहले किसान का धान नहीं बिक रहा था? ये झूठ बोलते हैं, और संकल्प पारित विधिवत तरीके से हुआ है, ये झूठ बोला जा रहा है, भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। मैं चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं कार्यक्रम करूं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हुटिंग नहीं, एक एक करके मैं आप लोगों के पास आऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कार्यक्रम हो मैं आता हूँ ना आपके पास। गेहूँ भी खरीदा गया तो हरिपुर बच्ची सोसाइटी के नाम पर खरीदा गया, कभी बिंदु खत्ता के नाम पर क्रय केंद्र नहीं संचालित हुआ, माननीय विधायक जी का ऐतिहासिक है कि जो भी काम हुआ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं मैं कार्यक्रम करूँ तो मैं एक एक करके आऊंगा, प्लीज हुटिंग नहीं। संजय जी, ये तो आपस में BJP और कांग्रेस की लड़ाई दिखाई दे रही है, आप कहाँ है, आपकी साइकिल कहाँ है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब से 21 सालों में इन लोगों जो है यही रवैया रहा कि पूरे यहाँ के उत्तर की जनता चली गई, कभी इस नाम पे कभी इस नाम पे, दोनों लोग आपसी जो है झगड़े में रहे, कभी इस
प्रदेश के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ, चाहे वो पलायन का मुद्दा ले लीजिए, रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, सड़कों का मुद्दा ले लीजिए, बिजली पानी शिक्षा सारे मुद्दे ले लीजिए, किसी पे कोई कार्य नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा था लाल कुआं में रोडवेज का, जो इन लोगों के संकल्प पत्र में था। बड़ा मुद्दा है जिस बैरियर पे आप आए होंगे रेलवे क्रॉसिंग का, ये बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ। सड़क चौड़ीकरण का कोई मुद्दा था, वो नहीं हुआ। आखिर ये कौन सा ऐसा बड़ा काम लाल कुआं में हुआ जो इन लोगों को, जो पांच लोग आपके चिल्लाते रहे, इससे निदान नहीं होना है। आप जनता के लिए व्यक्तिगत तौर पे जो है लड़ाई से कोई नहीं होगा। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, संजय जी कह रहे हैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वो कह रहे बस अड्डा। मैं आऊंगा एक एक करके, प्लीज एक एक करके। आप कह रहे हैं लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको सुलझाया नहीं ना बीजेपी ना कांग्रेस ने, आपका क्या नजरिया है? 21 साल हो गए हमारे राज्य को बने हुए, दोनों पार्टियों ने बिल्कुल जनता को छन्ने के अलावा कोई काम नहीं किया, मेरा ये मानना है। क्योंकि न तो परिसंपत्ति का अभी तक बंटवारा हुआ, न कोई हमारी जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट में कोई हमारा हिस्सा है जिससे हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और इनने कोई काम नहीं किया। और हम लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या? लाल कुआ में तो सबसे बड़ा मुद्दा राजस्व का, यहाँ लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा राजस्व भूमि का है, और राजस्व भूमि यहाँ पर अभी राजस्व भूमि का वो बनना चाहिए, राजस्व भूमि का। हाँ, उसके लिए इन्हें कोई कदम नहीं उठाया, और किसी भी पार्टी ने विधानसभा से उसको पास करके कैबिनेट में नहीं भेजा, जिसके कारण वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके राजस्व का मुद्दा, यशपाल जी आपको क्या लगता है लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? आपके नजरिए से लाल कुआ का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर जनता आपको वोट करे? ये कांग्रेस बीजेपी वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं, पहले इन्हें रोकिए अपने हकारा अधिकारों के लिए, इन्हें रोकिए पहले, तभी तो बात हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज मेरे को कार्यक्रम में यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपनी बात रखिएगा, मैं आऊंगा। भाई साहब प्लीज आप लोग चाहते हैं मैं कार्यक्रम करूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग एक एक करके, हूटिंग नहीं प्लीज, हूट सबको है, हूटिंग नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कार्यक्रम करूं, वरना मैं फिर जा रहा हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक एक करके, आप लोगों के लिए आए हम, प्लीज एक एक करके। यशपाल जी, लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपकी नजर में, और क्यों जनता आपको चुने? आप ये कह रहे हैं कि आप निर्दलीय ना बीजेपी ना कांग्रेस, आप क्या ऐसा लेकर आए? हम तो पिछले 70 वर्षों से इस देश में सारे लोग आजाद होकर के रह रहे हैं, लेकिन 70 वर्षों से कांग्रेस या बीजेपी ये बता दे कि जो लाल कुआ विधानसभा के 65,000 लोग वनभूमि में रहते हैं पिछले 70-80 सालों से, क्या उनको मालिकाना हक मिल गया है? अगर उनको बिजली का कनेक्शन दिया है इन सरकारों ने, तो उनसे एफिडेविट ले रखे हैं, अगर कभी इस जमीन को खाली किया गया तो उन सारे लोगों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, एफिडेविट ले रखे बिजली विभाग ने। मालिकाना हक को लेकर झूठ बोल रहे हैं सब, सारी जनता बोलेगी, आने वाले टाइम में जवाब देने वाली है जनता। मालिकाना हक को लेकर ये कह रहे हैं बिजली, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं आप। किस विषय के मालिकाना हक को लेकर चर्चा? किस विषय के मालिकाना हक की बात? राजस्व जमीनों का मालिकाना हक, राजस्व जमीनों का मालिकाना हक, झूठ बोला। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार अनेक प्रकार के वर्गों की भूमि का नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। अब उस नियमितीकरण की प्रक्रिया में कानून सम्मत जो जो चीजें आएंगी उनका नियमितीकरण होता रहेगा। आपने मुझे कहा विधायक जी के और अन्य काम बताइए, थोड़ा मेरे युवा कांग्रेसी साथियों का उत्साह ज्यादा है, थोड़ा तेज। 200 बेडों का हॉस्पिटल मोटा हल्दू में बन रहा है, डिग्री कॉलेज 5 साल में अब बन रहा है, 5 साल में अब बन रहा है, अब फीते क्यों काट रहे हैं आप? 200 बेड का हॉस्पिटल चावला जी 3 महीने में आप भी तैयार नहीं कर सकते। मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल में आपने क्यों नहीं बनाया, 5 साल में क्यों नहीं बनाया, एक एक करके एक एक। विधायक जी ने गोलापार में डिग्री कॉलेज खोल दिया है, और 200 बेड का मोदी नगर में सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है। उस तो कह रहे विकास नहीं किया दुर्गापाल जी, आप ये कह रहे हैं विकास नहीं किया, वो कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दी। एक बात बताइए साहब, 200 बेड का तो बाद में बनेगा, कृपा करके वो 30 बेड के तो पूरे करा दीजिए जो कोरोना में। एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सुशीला तिवारी अस्पताल नहीं होता तो सरकार ने खुलेआम 15,000 रुपए लेने की छूट दी थी कोरोना काल में, और ये अस्पताल पूरा हो गया होता तो कितने लोगों की जान बच जाती। अगर हल्दू तो ये कह रहे 30 करवा देते आप 200 की बात कर रहे। भाई शायद मेरे मित्र बहुगुणा दुर्गापाल जी को कोविड की ठीक से जानकारी नहीं है।
बोगड़ा जी तो अब आपके साथ आ गए, बोगड़ा जी दुर्गापाल जी, दुर्गापाल जी बोगड़ा जी तो अब आपके साथ है। दुर्गापाल जी, मेरा कहने का ये विषय है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने कोविड मैनेजमेंट किया, प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगाया, वो एक सराहनीय कदम रहा। उत्तराखंड में कोविड कंट्रोल हुआ, प्राइवेट अस्पतालों पे अंकुश लगा था, प्राइवेट अस्पतालों पे अंकुश लगा था, प्राइवेट अस्पतालों पे अंकुश लगा था। ये अपने आप में एक अहम सवाल है। ये कह रहे कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने कोई लूट नहीं की, प्राइवेट अस्पतालों ने लूट की या नहीं की? प्राइवेट अस्पतालों ने लूट की या नहीं? ये कह रहे लूट की। ओके, अब आपका परिचय और आपसे मैं जानना चाह रहा था। जीवन जी, आप यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार है, लालकुआ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपकी नजर? देखिए, लालकुआ विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजस्व का, यहाँ राजस्व गांव की मांग है, और बेरोजगारी, यहाँ स्थानीय उद्योगों में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाता है, और लालकुआ की सेंचुरी पेपर मिल इतना प्रदूषण करती है कि यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और तमाम बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि प्रदूषण के खिलाफ नहीं बोलता है। आप ये कह रहे हैं लालकुआ के बड़े मुद्दे हैं, लेकिन एक एक करके मैं जनता के पीछे अंतिम छोर तक, बिल्कुल बिल्कुल जनता, बिल्कुल जनता, बिल्कुल जनता, जनता एक एक करके, बिल्कुल 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 एक एक करके बिल्कुल, ओके ओके, एक एक करके, एक एक करके आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, मैं पहले कह रहा था, आप एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके आप आइए आगे एक एक करके, एक मिनट सर, एक एक करके, एक मिनट सर, भाई साहब प्लीज, मैं आप तक कहूंगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, प्लीज एक प्रदूषण के सवाल पर कोई नेता नहीं बोल, एक सेकंड प्लीज एक एक करके, हेलो सर प्लीज जल्दी। मेरा नाम गणेश चंद्र है, मैं गोलापार यानी लालकुआ विधानसभा के क्षेत्र गोलापार से आया हूँ, गोलापार से। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो एक बार सुनेंगे मेरी भी, अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो एक बार मेरी भी सुनेंगे, क्योंकि ये पब्लिक 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 के लिए रखा गया, ना कि आपके ये बीजेपी कांग्रेस करने के लिए, समझ रहे हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग एक बार सुनेंगे आप लोग। मैं ना किसी कांग्रेस से ना किसी बीजेपी से, मैं सवाल करूंगा दोनों से, बिल्कुल जाए ताली, क्योंकि अगर हमारा उत्तराखंड 2000 में बन गया था तो किसी कंडीशन की वजह से, क्योंकि उत्तराखंडियों का विकास नहीं होता, इस वजह से बनाया गया, तो दोनों ने ही राज किया है, बारी बारी से किया है, दोनों ने राज किया। अभी जो प्रेजेंट में अगर है तो वो बीजेपी है नहीं है, तो मैं बीजेपी वालों के लिए भी दुश्मन नहीं बनना चाहूंगा, कांग्रेस वालों के लिए भी नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने विकास बहुत किया होगा जनाब, किया होगा इन्होंने अपना सवाल, क्योंकि इन्होंने, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं वन भूमि क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे गांव से इन्होंने क्या करा, पहली बात तो ग्राम सभा के वोट काट दिए, ग्राम सभा के, आखिर क्यों, हम सीधे अगर जाएंगे तो हमसे विधायक से लड़ना होता, विधायक हमारी सुनता नहीं, हम खोलियाबंग नहीं के रहने वाले। मुद्दा 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 मेरे को यह जानना है, आखिर आप लोग कह रहे कि हमने विकास किया, हमने सड़क बनाई, मेरे गांव में आके देखना खड्डा, आप आए क्यों नहीं, 5 साल से विधायक कौन सा, खोलियाबंग नहीं से आया हूँ मैं, अगर ये गोलापार से आए हैं, ये कह रहे कि चलो मेरे साथ, मेरे गांव में 5 साल हो गए सड़क नहीं बनी, वहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, ये आज तक विधायक नहीं आया, आपका सवाल ले लिया मैंने, आपका सवाल ले लिया, एक एक करके, एक कांग्रेस से भी पूछेगा, एक सेकंड। निश्चित तौर पर हम ये दावा कभी नहीं कर रहे हैं कि 5 साल में सारी समस्याएं हल हो गई, हमने कहा हमने सड़क क्यों नहीं बनाई, वो कह रहे सड़क क्यों नहीं बनाई, उनके गांव की छूट रही है, अगली बार भी हमारी सरकार आ रही है उनके गांव की भी सड़क बनेगी, मतलब 5 साल में आप सड़क नहीं बना पाए, विधायक नहीं पहुंचे, हमने ये कभी नहीं कहा सारी सड़कें बन गई, हमने कहा हमने सड़कों का जाल बिछाया है, विकास ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने, गोलापार सड़क क्यों नहीं बनी, गोलापार में सैकड़ों सड़क बनी है, अगर मेरे भाई की सड़क छूटी है, हम दोबारा पूछा देता हूँ कौन सा गाँव सर, मैं खोलियाबंग नहीं दानी मंगर वन क्षेत्र से आया हुआ हूँ सर, नहीं क्यों नहीं, वो जनता का कार्यक्रम है, ये जनता का कार्यक्रम, आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल बात रखिए, आप आधे से बात करके चले जाओ, मेरी दरख्वास्त है प्लीज, आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का सवाल को जवाब देना पड़ेगा, मैं उनके सवाल जवाब दे रहा हूँ, आप माइक हटा के उधर चले गए, मेरा निवेदन है आपसे प्लीज, मेरा कहने का, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सारी समस्याएं हल कर दी, हम काफी समस्याओं के हल की ओर को पहुंचे हैं, अगर उनके गांव की सड़क नहीं पहुंची, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम उनके गांव की सड़क भी बनाएंगे, अगर हम कहते हैं अगर कांग्रेस ने
सब कुछ बढ़िया करा तो पूछिए कांग्रेस के प्रत्याशी इतने भारी मतों से हारे क्यों? अच्छा ये कह रहे हैं दुर्गापाल जी हारे क्यों, दुर्गापाल जी ओके ओके मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज एक एक करके इनकी बात अधूरी रहेगी। बिल्कुल पूछेगा। मैं भी एक छोटा सा मुद्दा रखना चाहूंगा ना। देखिए अभी स्वघोषित पिछले जो एमएलए साहब थे दुर्गापाल जी, स्वघोषित विकास पुरुष, अगर उन्होंने इतना विकास किया था तो फिर आज इतने गड्ढे क्यों दिख रहे हैं, पहले ये समझ में नहीं आ रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि स्वीकृत राशि अधिकृत कार्य इन दोनों का आरटीआई ले लीजिए आप, 5 साल का इसका भी 5 साल का मिलान कर लीजिए, और अगर ये विधायक कम निकला काम करने में तब बोलिए आप आरटीआई लीजिए। यहाँ पे कह रहे काम किया है, ओके ओके भाई साहब अपना नाम बताइएगा और अपनी बात रखिएगा। मान्यवर मेरा नाम तारा चंद्र जोशी है और मैं भी जो है ना जैसे भाई साहब ने घोषणा करी पढ़ा लिखा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं आईटीआई करा हुआ आदमी हूँ, बस मैं कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पर मैं आपको एक बात ईमानदार से कहता हूँ, जैसे उन्होंने सवाल उठाया पहला कि इनके वोट विधायक जी ने कटवाए, भैया सुन ले जी, इनके वोट विधायक जी ने कटवाए, इनके वोट विधायक जी ने कटवाए, जो इनका वर्तमान जिला पंचायत सदस्य है उसने आरटीआई लगा करके इन सबके मताधिकार को छीना है, और केवल इन्हीं का नहीं छीना है, प्रतापपुर, काली नगर, सुल्तान नगरी, बागजला सबका छीना है। उससे सवाल करो, विधायक जी से भी सवाल मत करो। दोबारा हक दिला सके विधायक के पास इतना भी सर, विधायक के पास इतने भी वो होता है। एक एक करके प्लीज 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 एक एक करके झगड़ा नहीं प्लीज एक एक करके यहाँ मसला सीधे तौर पर क्या सीमा विस्तार एक एक करके प्लीज आप ये कह रहे आपकी आवाज उठाई जाए, आप चाह रहे हैं चिल्लाएंगे कुछ नहीं होगा, प्लीज चर्चा चिल्लम चिल्ली नहीं प्लीज चर्चा। क्या सीमा विस्तार इस क्षेत्र का सीमा विस्तार मुद्दा है या नहीं है, इस क्षेत्र का सीमा विस्तार मुद्दा है या नहीं है, मैं ये जानना चाहूँ। संजय जी पहले आप जी, सवाल क्या है? इस क्षेत्र का सीमा विस्तार, सीमा विस्तार जरूरी नहीं है, जो जिस सीमा में हम हैं, पहले तो ये आप जानिए कि 10 लोग इनके जनता का सवाल नहीं आ रहा है, सीधे जनता का सवाल आए ना, वहां से भी चाटुकारिता यहां से भी चाटुकारिता, तो इससे इस जनता इसका इस मंच का जो है मोटो नहीं तैयार हो पा रहा ना जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि ये मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं क्या वो मुद्दे नहीं, क्या अस्पताल शिक्षा पानी मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, अस्पताल भी मुद्दा है, शिक्षा भी मुद्दा है, और जो है पलायन भी मुद्दा है, लेकिन इन मुद्दों पे काम हो नहीं रहा है 21 वर्षों में जो चला जा रहा है ना, काम करेगा कौन? कोई सवाल ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि जो है भाई आप भी विधायक थे आपने काम किया नहीं, ये तो हम कह रहे हैं ना कि हम अच्छा आज 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 भाई साहब प्लीज प्लीज मैं शोर नहीं प्लीज एक एक करके आऊंगा एक एक करके क्या लालकुआ में प्रदूषण मुद्दा है या नहीं? प्रदूषण का मुद्दा सबसे बड़ा प्रदूषण का ही मुद्दा है, क्योंकि सारे जितने भी यहाँ से लेके 15-20-30 किलोमीटर तक ये जो मिले हैं, ये जो क्रेशर हैं, इनके धूल धक्कड़ों से सारे लोग परेशान हो गए हैं, कई लोग बीमार हो गए हैं, कोई एम्स में जा रहा, कोई कहाँ जा रहा, कोई कहाँ जा रहा, इलाज के अभाव में मर रहे हैं सारे लोग, ये सत्य है, किसी भी जानकारी ले लीजिए। और दूसरा जो 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 सवाल आया है आज लालकुआ विधानसभा के अंदर का, कांग्रेस की सरकार में भी पंचायत के लोगों के वोट कटे, वन विभाग में रहने वाले लोगों के, और उस टाइम पर भी वोट कटे जब भाजपा की सरकार है आज, तब भी वोट कटे हैं, पूछ लो सारे गांव का सर्वे कर लो, अगर हम गलत कर रहे हैं तो सर्वे कर लीजिए आप। और आज की तारीख में गंगानगर में बिजली के पोल नहीं पड़े, रैखाल में नहीं पड़े, श्रीलंका टापू में नहीं पड़े, जबकि वहां के वोटे सब विधानसभा में डालते हैं, इतनी दिक्कत की बात है। आज सारे जंगलों के अंदर आप गांव, और एक तो गेस्ट हाउस जहां पर सीएम से लेके पीएम से लेके हमारे कई लोग आते हैं, आज भी वहां बिजली के पोल नहीं पड़े, बड़ा दुख का विषय। पोल ही नहीं है आज तक, नहीं है, पूछवा दूं आपके सामने, पूछ लीजिए जनता ही खड़ी है, पूछ लीजिए, अगर बोले तो बिजली के पोल नहीं है, बिजली के ओके एक सेकंड पूछ लेता हूँ बिजली के पोल है या नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, कह रहे सीएम वहां पहुंचते बिजली के पोल नहीं है, आराम से अपनी बात। अब यशपाल जी कहाँ का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो यशपाल जी भाई साहब बता सकते हैं, सीएम साहब कहाँ पहुँचते हैं, इनको कहाँ जानकारी है, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। अगर ये फॉरेस्ट के अंदर के गेस्ट हाउसों में कह रहे बिजली नहीं पहुँची है, तो आपको ही बताए जंगल के अंदर वन अधिनियम के तहत बिजली पहुँच सकती है नहीं पहुँच सकती है, वो प्रश्न। फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में बिजली नहीं है, फॉरेस्ट के गेस्ट हाउसों में काफी स्थानों में बिजली नहीं होती है भाई, कई भाई साहब प्लीज एक एक करके मैं भाई साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज
प्लीज एक एक करके, अगर आप लोग चाहते हैं मैं चला जाता हूँ यहाँ से, आप लोग चाहते हैं मैं आ रहा हूँ सबके पास, प्लीज वापस, प्लीज पीछे, प्लीज एक एक कर, बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा एक एक करके बॉस, एक एक करके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी जगह पे पहुंचिए, प्लीज प्लीज अपनी जगह पे, प्लीज भाई साहब प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, माहौल खराब करने से कुछ नहीं होगा, माहौल खराब करने से क्या होगा, एक बात बताइए, मैं सबके सवाल लूंगा बॉस, सवाल पूछने तो दीजिए आप लोग, सवाल पूछने ही नहीं दे रहे, एक सेकंड प्लीज अपनी जगह पे जाइए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज प्लीज, मैं लाइन से पूछूंगा लेकिन चिल्लम चिल्ली नहीं, चिल्लम चिल्ली करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप, सबका सवाल लूंगा बॉस, सबका सवाल, प्लीज एक एक करके, प्लीज प्लीज प्लीज, माइक आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अब यहां से शुरू करेंगे, मैं सबके पास आऊंगा, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी आवाज उठाऊं तो प्लीज सुनिए संयम के साथ, प्लीज मैं छात्रों से शुरुआत करूंगा, अपनी बात रखिए और नाम बोलिए सर, प्लीज जल्दी जल्दी, राजा धामी मेरा नाम है, मैं 2017 में जब भाजपा की नई नई सरकार बनी थी, हमारा महाविद्यालय, जब हमारा लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय बना कांग्रेस की सरकार में बना था, उसमें एमए का संचालन नहीं हुआ था, उच्चीकरण हुआ था, तो भाजपा की नई नई सरकार बनी थी, मैं खुद उस कॉलेज के बाहर आमरण अनशन में बैठा था, इनके विधायक आए मुझे जूस पिलाया और मेरे साथ चार लोग और धंधे में और आमरण अनशन में बैठे, लेकिन आज तक वो आश्वासन नहीं है, आज तक देखिए, आज तक एमए का संचालन नहीं हुआ है, आज तक देखिए ये एक धरने पे मैं बैठा था, माननीय मंत्री जी वर्तमान में, माननीय मंत्री जी से मैं बैठा था, क्या मुद्दा, मुद्दा ये है कांग्रेस की ये देन है, युवाओं को विद्यार्थियों को डंडे खिलाए, उनके कपड़े फड़वाए, विधायकों को पिटवाया, एक एक करके, एक एक करके, भाई साहब आप अगर शांत करवा सकते हैं, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ, मैं कार्यक्रम खत्म कर दूंगा, प्लीज प्लीज, मैं सबकी आवाज उठा रहा हूँ, आप लोग बेवजह चिल्ला रहे हैं, प्लीज बेवजह चिल्ला रहे हैं, प्लीज सवाल कई है और जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से अपना सवाल पूछेगा, जल्दी बात रखिए, मैं मेरा सवाल विधायक जी से यह है, जब हमें आमरण अनशन पे विधायक जी ने जब हमें उठाया, तो आज उस चीज को 4 साल हो गए, आज तक इस विद्यालय महाविद्यालय में एमए का संचालन क्यों नहीं शुरू हुआ, जबकि विद्यालय में एमए का संचालन नहीं शुरू हुआ, छात्रों की बात ही नहीं सुनी जा रही है, महाविद्यालय में एमए का संचालन नहीं हुई, 1000 बार विधायक जी के पास जाकर के हमने ज्ञापन तक दे दिए, हर वो काम कर दिया, यहाँ से ये हल्दू चौर से लेके देहरादून तक हमने 50 चक्कर लगा दिए मुख्यमंत्री जी के, ओके, ये छात्र झूठ बोल रहे हैं, छात्रों की बात झूठी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वैसे तो, नहीं ये छात्र झूठ बोल रहे हैं, देखिए छात्रों के मेरे पूरा भी छात्र भी कांग्रेस बीजेपी उनकी उनकी जो आप शायद नहीं जानते, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं बात ये कहता हूँ, मुद्दा झूठा है, मुद्दा जो है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, छात्रों को सुविधा के लिए विद्यालय में काफी कुछ करा गया है, केवल प्रश्न उठाने से तालियां बजवाने से समस्या का हल नहीं है, वाईफाई से लेकर फर्नीचर से लेकर वहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने केवल घोषणा कर दी, विद्यालय की घोषणा कर दी पूर्व मंत्री जी ने, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, जो बात कर रहा हूं मेरी बात सुनिए ना, बात तो पीछे से शुरू होगी, माननीय मुख्य पूर्व मंत्री जी ने घोषणा कर दी, अब उसी घोषणा को पूरा करने का काम हमारे जिम्मे सौंपा है ना, उन्होंने तो लास्ट वर्ष में इसकी घोषणाएं करी है, अच्छा तो ये कांग्रेस ही है इसलिए झूठ बोल रहे हैं, इसका मैं जवाब दे दूं, माननीय जिलाध्यक्ष जी को शायद पता नहीं है, ये विद्यालय निजी विद्यालय था जिसको राज्य पुरानी कांग्रेस की सरकार में प्रांतिकरण हुआ, और आज आप उठा लीजिए उस विद्यालय में इस सरकार ने 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया वो तो छोड़िए, 1 रुपया नहीं, पूछवा दूं आपके, सुनिए, जबकि 18 बीघा जमीन उस क्षेत्र के लोगों ने सरकार को दी, पूरा 22 खंभे, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सीधा झूठ है, 1 रुपया नहीं दी, लाखों रुपया दिए, 1 रुपया नहीं, लाखों रुपए, 1 रुपया नहीं, लाखों रुपये, ये कह रहे लाख, अरे साहब 18 बीघा जमीन 22 कमरे सारा पूरा वेल फर्निश्ड विद्यालय प्रांतिकरण किया गया, एडेड नहीं प्रांतिकरण, राज्य सरकार की संपत्ति है वो विद्यालय, सामने पूछ लेता हूँ कौन सच्चा है और कौन झूठा है, आप ही बता दीजिए कौन सच्चा है कौन झूठा महाविद्यालय को लेकर, महाविद्यालय के बारे में दोनों पार्टियां जो झूठ बोल रही है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही, ये बिल्कुल सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई पार्टी सही नहीं कर रहे, पॉलिटिकल हम पॉलिटिकल तो नहीं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ,
माननीय जिला अध्यक्ष प्रदीप बिसी जी ने कहा कि ये दो पार्टी हमारे पक्ष विपक्ष में रहेंगी, ये पार्टी कुछ नहीं है। उनको बता दूं मैं दिल्ली में पिछली बार दिल्ली में भी कहते थे विपक्ष नहीं है, सफाया कर रखा है वो प्रमाण है, और यहाँ भी करेगा ये आने वाले समय। आपके पास क्या है, आम आदमी पार्टी के पास क्या? आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ रही है, आपके पास क्या है? हमारे पास जो उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए सफाया का काम है, हम झाड़ू का निशान लेके आए हैं, सभा करें नवनिर्माण करके झाड़ू चलाएंगे इस बार ये कह रहे हैं। एक एक करके सर मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के विषय में बता दिया आप लोगों ने, आपका भी जवाब दिया माननीय जिला जज का, त्रिवाल जी का, पर सेंचुरी यहाँ के सब लोग प्रदूषण कौन जिनता है, लालकुआ के वासी। पर आप एक सर्वे करा लीजिए, यहाँ पर स्थायी रोजगार लालकुआ के वासियों को क्यों नहीं मिला, जबकि यहाँ के 100% वासियों का, जैसे अदर कंपनी आया बाहर जाकर 80% लोगों को लोकल को रोजगार मिलता है कि भैया वहाँ का प्रदूषण झेल रहा है, उसकी आयु कम हो रही है जो है उसको सेंचुरी में रोजगार क्यों नहीं मिला, ये क्या मुद्दा है कि नहीं सेंचुरी में स्थानीय लोगों को रोजगार? सेंचुरी पेपर मिल 1984 से ये हमारा बसा हुआ है, चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर रोजगार मिला है लोगों को, मंत्रियों के बच्चों को, एमएलए के बच्चों को, एमएलए के दोस्तों को, मंत्री के दोस्तों को, बड़े बड़े बदमाश ठेकेदारों को, बड़े बड़े टॉप ठेकेदारों को। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये सेंचुरी पेपर मिल में जो है ये कह रहे हैं कि मंत्री के बेटों को, एमएलए के विधायक के बेटों को, उनको रोजगार मिला, स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला। देखिए हमारे एमएलए के बेटे तो बेचारे गौ पालन और मुर्गी पालन करके अपनी आजीविका कमाते हैं, बहुत सरल परिवार है। मैं कहना चाहता हूँ हमेशा सेंचुरी के खिलाफ हमारे विधायक जी ने संघर्ष करा है, हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, हमेशा श्रमिकों की लड़ाई लड़ी है। आदरणीय दुर्गापाल जी श्रम मंत्री रहे हैं, ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। ये सवाल जायज है बतौर श्रम मंत्री। एक सेकेंड, सरकार किसकी है उससे भी जवाब ले रहे हैं, लेकिन जिनकी सरकार रही जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा, तो इसलिए दुर्गापाल जी बताएंगे। ये कह रहे हैं कि भाई आपने विकास किया, आप खुद श्रम मंत्री रहे आपके पिता, और उन्होंने क्या किया ये भी बता दीजिए। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आप अगर लेबर मिनिस्टर के बारे में पूछिए, अगर श्रम कानून जो कड़े बने उनके कार्यकाल में बने, आज भवन सन्निर्माण एवं कर्मकार कल्याण श्रमिकों के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किसी ने नहीं सोचा, जो सरकार में इसमें बैठे इनकी सरकार भी थी उससे पहले। अगर इन्हीं से पूछ दिया जाए कि श्रम मंत्री कौन था, एक बार जवाब देने दीजिए, इतना उत्साह अच्छा नहीं होता, ठीक है? इससे पहले श्रम मंत्री कौन था इनको नहीं पता, नहीं होगा, नहीं मालूम, सरकार में, इनकी सरकार में नहीं होगा पता। लेकिन हमने, सुनिए मैं इनमें बता रहा हूँ, भवन सन्निर्माण BOCW था, उसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसके कार्यकाल में लाभ, वो कह रहे सेंचुरी में कितने लोगों को रोजगार मिला, स्थानीय लोग, सुनिए, सेंचुरी में भी मिला, सेंचुरी में स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिला, एक मिनट देखिए, सेंचुरी में भी मिला, और सारे सिटकुल जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने उसमें भी रोजगार मिला। इन्होंने एक सिटकुल नहीं बनाया है, जो चिल्ला रहे हैं उन्होंने एक सिटकुल नहीं बनाया। ये कह रहे हैं कि एक सिटकुल नहीं बनाया सेंचुरी में, क्या सेंचुरी वाला मुद्दा है कि नहीं स्थानीय लोगों को? सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल लालकुआ में, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल लालकुआ में प्रदूषण फैलाती है। यहाँ की आम जनता से पूछिए कि आपकी छत में आप कपड़े सुखाने डालते हैं तो वो कपड़ों का सफेद का रंग काला होता है या नहीं होता, पूछ लीजिए। पूछ लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि सफेद रंग काला होता है या नहीं होता, सफेद रंग काला होता है या नहीं, अपनी बात रखिए। होता है सर। मेरा एक सवाल है कांग्रेस और बीजेपी से सीधे। सर कांग्रेस से भी बीजेपी से, आज ही अपने स्वास्थ्य बता रहे कि हमने इतना सही किया था। मैं बिंदु हत्या निवासी, कार रोड में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया कि सर यहाँ डॉक्टर चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं है। आज भी बीजेपी के सरकार में भी आज एक 200 का बेड बना रहे, 400 का बेड, लेकिन कारोड़ में एक छोटा सा एक स्वास्थ्य है जो कि गरीब लोग वहाँ नजदीक में जाते हैं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जो वहाँ पे, कौन सी जगह पर सर? कारोड़ में ही पे, जो वहाँ पे कंप्यूटर है सर, जो वहाँ पे कंप्यूटर है वो कहता है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं, हम क्या देखें? ये मेरी खुद की भीड़ है, हम यहाँ से लाल को आते हैं, अगर हमारे कारोड़ नजदीक। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुद्दा है स्वास्थ्य? हाँ है। समस्या क्या है? समस्या क्या है कि हमारे जो जितने भी हमारे कहते हैं गांव में, कहते हैं गांव वाले हैं और कहते हैं गरीब परिवार रहते हैं और बेरोजगार लोग हैं, उनको कहते हैं
स्वास्थ्य यहाँ सुविधा नहीं मिलता, उसके लिए हमें हल्द्वानी जाना पड़ता है। यहाँ से 16 जाना पड़ता है, 16 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से पड़ता है। नहीं तो यहाँ से छोटे है स्वास्थ्य, बिल्कुल है। रात अगर हम रात को आते हैं तो हमको रात को कोई सुविधा नहीं है, हमें मजबूरी है। कई बार क्या होता है एम्बुलेंस आती है वो रास्ते में अटक जाती है। बनाया गया है सुविधा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ता है। हमने अपने आंखों से देखा है यहाँ पे तड़पते हुए, सुविधा क्यों नहीं मिल रही यहाँ पर, सुविधा क्यों नहीं मिल रही। अगर ये सवाल एक सेकेंड, आप लोगों का सवाल लिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रहा हूँ सर आपके पास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कह रहे कोई काम नहीं हुआ, अगर कोई काम हुआ है तो मौजूदा विधायक भी बताएंगे और पूर्व विधायक भी बताएंगे कि उनके क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने क्या काम किया। पहले आप बताइए, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, 30 बेड का अस्पताल वो आप बनवाने पे, आप 200 अस्पताल की बात कर रहे हैं, 200 बेड की। हम यही बात कह रहे हैं, उत्तराखंड में केवल लालकुआ विधानसभा में नहीं, हम कहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी है। हमारी सरकार ने 500 डॉक्टरों की नियुक्तियां करी है, कांग्रेस के लोग बताएं इनके कार्य। वो डॉक्टर है कहाँ? लालकुआ के लिए है डॉक्टर, वो लालकुआ के लिए डॉक्टर है लालकुआ। मैं यही बात कह रहा हूँ, डॉक्टर सुविधा में मिले, सरकारी तौर पर मिले, हम सबको उनको मुहैया करा रहे हैं। मेरे भाई लोगों के हॉस्पिटल में भी डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं है? कांग्रेस ही मैदान। हम लगातार हर मंगलवार, वो भी कांग्रेस ही है, हम हर मंगलवार को सचिवालय में डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट के लिए विज्ञप्ति निकाल रखी है, 500 डॉक्टरों की। मंगलवार छोड़िए ना, इतवार को भी निकालिए, क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है? हम आपसे भी अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, हमने सरकार आपकी है, आप नहीं कर पा रहे, चैनल से भी अपील कर, आपकी भी जिम्मेदारी है भाई, समाज के प्राणी है, हमारी जिम्मेदारी, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सरकार व्यक्तियों के लिए नहीं, सरकार समाज के लिए होती है, प्रदेश के लिए होती है, आपका भी भागीदारी होती है, मेरी भी भागीदारी होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी, फिर आप कह रहे, मैंने कब कहा वो झूठ बोले? मैं कह रहा हूँ हमारे पास डॉक्टरों की कमी, हम इसको बात को छुपा, हमारी सरकार ने 500 डॉक्टरों की नियुक्तियां करी है। 500 में से 10 डॉक्टर लालकुआ को भी दे दीजिए, 10 डॉक्टर लालकुआ को भी दे दीजिए। आप बताइए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये आप बता दीजिए भाई साहब, प्लीज मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप ये चाह रहे हैं मुद्दे, आपके नेता नहीं बता सकते मुद्दे, आपके नेता को नहीं मालूम मुद्दे आपके क्या है, आपके नेता को नहीं मालूम मुद्दे आपके, यहाँ बोल दीजिए आपके नेता को मुद्दे नहीं मालूम, प्लीज एक सेकंड। वो ये कह रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया, अगर आपने काम किया तो वो बता दी। अरे साहब ये जनता से ही पूछ लीजिए, बिंदु खत्ता पीएससी किसने बनवाया, लालकुआ पीएससी किसने बनवाया, मोटा हल्दू पीएससी किसने बनवाया, और हल्दू चौड़ में 30 बेड का अस्पताल किसने बनवाया, ये पूछ ले जनता किसने बनाया करके। मैं राजनीति से छोड़ दूंगा राजनीति, अगर वो कह दे भाजपा ने बनाया तो कह दे। एक अस्पताल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं, और 200 बेड का शिलान्यास जरूर हो गया, शिलान्यास हो गया 200 बेड का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि 200 बेड का शिलान्यास हो गया, लेकिन 30 बेड का अस्पताल नहीं बनवा पाए। जी नहीं, स्वास्थ्य के प्रति जो है कोई कार्य नहीं हुआ है। पिछले काफी दिनों से किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, जो बिंदु खत्ते में जो हॉस्पिटल है उनमें किसी में डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। जी नहीं, मिलता नहीं है डॉक्टर, कहाँ है? हम जब भी वहाँ के लोकल लोगों से पूछे जो वहाँ रहते हैं, अभी आपको जो उन्होंने बताया ना, नहीं है। और वही नहीं, यहाँ भी जो है आप जाएंगे कहीं भी, खाली हल्ला करने वाली बातें जो अलग है, लेकिन ये कह रहे डॉक्टर है ये कह रहे डॉक्टर है कि नहीं? मैं उसके बगल में रहता हूँ, वहाँ डॉक्टर है। और जो ये कह रहे हैं माननीय कांग्रेस के प्रतिनिधि, पूरे उत्तर भारत में पूरा आप सर्च कर लीजिए मीडिया के माध्यम से भी, ग्रामीण क्षेत्र में 200 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी ने यहाँ पर शुरू हो गया काम, आप चाहो तो जा सकते हो। अच्छा, शिलान्यास कर रहे हैं, ओके, काम शुरू हो गया, शिलान्यास, ओके ओके। सर मैं मलिन बस्ती से ताल्लुक रखता हूँ, और कुछ लोग मेरे को यहाँ पर नेता भी समझ रहे हैं, जो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। और मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूँ अपने कॉलोनी का हाल, वहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको चारपाई में टांग के ले जाया जाता है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि वो 1500 शौचालय कहाँ है, वो कहाँ है वो 1500 शौचालय? तो कह रहे 1500 शौचालय बनाए, वो है कहाँ? वो 200 हैंडपंप कहाँ है? 1500 शौचालय का है, वो कह रहे 1500। मैं भाई साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, सुबह है, अगर वो चाहे अपना एड्रेस यहाँ पर बलवंत दानू जी उनको दे दीजिए, वो आपको शौचालय की सूची दे देंगे। और मैं जो विषय कह रहे हैं, चारपाई किस क्षेत्र से आप चारपाई से लाने की बात करते हैं, यहाँ पर 108 की सेवा है जो 20 मिनट में आती है, अन्य हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस है, डॉक्टर भी है, लेकिन मैं कहता हूँ वो पीएसी है, पीएसी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है, उससे बड़ा कुआं और उससे बड़ा हल्द्वानी में हॉस्पिटल है, पीएसी स्तर की जो सुविधाएं डॉक्टर होने चाहिए वो वहां पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन
वो कहां पर चारपाई से लाने की बात करते हैं ये मेरी अभी समझ में नहीं आई है। आप ये कह रहे हैं ये भी कांग्रेसी है। ओके ओके, एक एक करके भाई साहब अपनी बात रखिए, एक एक करके बताइए आपका कौन सा मुद्दा है। लालकुआ का विकास नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। इस सरकार ने नहीं किया। पिछली कांग्रेस सरकार कर रहा था, किया था। आज का मुद्दा क्या है? लालकुआ का विकास होना चाहिए। शौचालय की जो बात है ना, माननीय अपने मित्रों को मैं कह देता हूँ, कल सुबह मेरे साथ आ जाइए, एक हफ्ता पूरा 1500 शौचालय घर जाके दिखा दूंगा। ओके 1500 शौचालय, ओके ओके ओके। आप एक एक करके हेमंत पांडे, लालकुआ नगर पंचायत में सभासद हूँ। मेरा एक प्रश्न है, 15 साल से लालकुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 कमरे बने थे, आज तक वो नहीं बन पाए। 100 कमरों की लिस्ट नगर पंचायत में जब से 3 साल मुझे हो गए हैं चुने हुए जनता का एक प्रतिनिधि के रूप में हूं मैं, उसके बाद लिस्ट 100 बार देने के बावजूद माननीय विधायक जी के बाद भी इसको सूचना दे दी गई है, लेकिन सरकार से एक नियम आता है उस प्रधानमंत्री को मुफ्त में 100 कमरे, एक एक कमरे हर गरीब के हिस्से में बंटने थे, 1000 रुपए उसकी पर महीने की तनख्वाह रख दी है, 1000 रुपए किराया देगा तब आएगा। क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना 100 कमरे 15 साल से सड़ाने के लिए इन्हें आज तक रखे हुए थे? ओके ओके, एक सेकंड, जवाब भाई साहब, एक एक करके प्लीज, सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए। मैं चावला जी आपसे एक तो निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा विनम्र निवेदन है कि मैं जो विषय नहीं बोला हूँ आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने किसी को नहीं कहा ये कांग्रेसी है, आप खुद ही कह दे रहे हैं आप ये भी कांग्रेसी है, मेरे शब्द नहीं, मेरा निवेदन है आपसे। चलिए कांग्रेसी नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है। और बोलिए, मेरे अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए, मेरा निवेदन है। 10 साल से नगर पंचायत, 7 साल से नगर पंचायत में कांग्रेस का चेयरमैन है, चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है, सारी जिम्मेदारी अगर हमें सौंपना चाहते हैं हम स्वीकार करते हैं, हम वो सारी जिम्मेदारी लेंगे, कांग्रेस के चेयरमैन है, कुछ उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, कुछ वो भी करें, कुछ जनता ने जब उनको दिए कमरों के कैसे नियोजित होगा उनका भी उनके काम है। और मेरे वो मेरे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कांग्रेस के लोग। चलिए मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, प्लीज एक एक करके, वो कह रहे चेयरमैन की बात करें, प्लीज एक एक करके प्लीज। अब मैं एक अहम सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड प्लीज, मैंने आप लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ, एक सवाल मेरा ये, कांग्रेस के घर में एक बड़ी कंफ्यूजन ये है कि चेहरा कौन? सुनने में हरीश रावत जी नाराज हो गए, दुर्गापाल जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन कह रहा हरीश रावत जी नाराज है? आज ट्वीट अभियान समिति के अध्यक्ष है, उनको ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि मैं कैसे तैर पाऊंगा। बिल्कुल तैरेंगे, वो सबको तैराने के लिए वो हमारे मुख्य नाविक है। आप बोल दीजिए मुख्यमंत्री, मुख्य नाविक ही वही है, मुख्यमंत्री कार्रवाई वही है, बोलिए मुख्यमंत्री। मैं अधिकृत नहीं हूँ, आपके ये दिक्कत यही है, कांग्रेस में कोई अधिकृत नहीं है, कांग्रेस में अधिकृत कोई नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, मुख्यमंत्री। ओके ओके, एक सेकंड, अब बीजेपी ये बताएगी, धामी जी पक्का है? धामी जी बीजेपी का नारा है अब की बार 60 पार युवा सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव था स्वाभाविक रूप से आगे उन्हीं को प्रमोट। अब हरीश रावत जी भी समझ गए हैं कि उनका बस चलने वाला नहीं है, युवा नेतृत्व। एक सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा बीसी ये बताएंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को हटाया क्यों था, वो ये बताएंगे कि तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया क्यों था बीजेपी ने? देखिए मालूम है आपको, मालूम है हटाया नहीं है, दूसरे को भूमिका दी है। अच्छा हटाया नहीं है? नहीं, आप मेरी बात समझिए, ये टीम के कैप्टन कौन बनेगा, कौन बेहतर इनिंग में कहां पर खेलेगा, हटाया क्यों, ये तो पार्टियों के पास सुरक्षित रहता हमारे पास। अच्छा ओके, ये भी नहीं बता रहे यशपाल जी, क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको ग्राउंड जीरो पर ले जाकर ये आपस में बीजेपी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है? बीजेपी और कांग्रेस का काम है लोगों को पैसे के बलबूते पर, शराब के बलबूते पर खरीद करके, गरीबों को खरीद करके जो शोषण किया जा रहा है। आज भी ये चोर गलिया से गोपाल राम जी आए हैं, अभी यही बता रहे थे, इनके यहाँ भी जो दूध डेयरी है, सुन लो हमारी सरकारें बैठी है उत्तराखंड में, सुन लो जो दूध डेयरी है, दूध डेयरी के अंदर सामान्य वर्ग के लिए पैसा अलग आ रहा है और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पैसा अलग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? थैंक यू, देखिए आप लोगों के बीच में आया, अगली बार पक्का है, एक एक करके आप सबके सवाल लिए, जल्दी से।
अभी तक हमारे मोहल्ले में ये लोग बात करते हैं बड़े बड़े निर्माण कार्यों की, हमारे मोहल्ले में नाली तक नहीं है। अभी बाढ़ आई दो बार, यहाँ तक छाती तक पानी आया, लोग डूब गए, विधायक जी संज्ञान लेने तक नहीं आए। एक पैर संजय नगर बजरी कंपनी क्षेत्र है, अभी तक हमें नाली तक की सुविधा नहीं मिली है। और जो सीमेंटेड जो पाइप होते हैं वो लोगों ने अपने पैसे दे के अपने पैसे इकट्ठे करके ओके हर किसी के अपने मुद्दे प्लीज एक एक प्लीज एक 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 करके प्लीज एक एक करके प्लीज एक एक ये तमाम मुद्दे आपके ये आज लालकुआ में मेरे साथ इतना ही माहौल गर्म है। ये स्थिति आप देख सकते हैं, नेताओं के सवाल और जवाब के सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार एक नई विधानसभा सीट पर होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक तरफ जनता, आवाम, लोकतंत्र में लोक और तंत्र यही है। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था जो हमने खो दिया? साल में राजस्व गांव के लिए आपने क्या काम किया? जवाब दी। कभी बिंदु खत्ता के नाम पर क्रय केंद्र नहीं संचालित हुआ, माननीय विधायक जी का ऐतिहासिक हुआ है। ये तो आपस में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई दिखाई दे रही है। आप कहाँ है, आपकी साइकिल कहाँ है? और हम लाल कुआ का सबसे बड़ा मुद्दा आपके नजरिए से लाल कुआ का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर जनता आपको वोट करे? मैं ना किसी कांग्रेस से ना किसी बीजेपी से, मैं सवाल करूंगा दोनों। इस विद्यालय महाविद्यालय में MA का संचालन क्यों नहीं हुआ? लाल कुआ का विकास होना चाहिए।